देखो जी कैसे निकल के चला एकदम करड़ा, ये देखो जी बोलेंगे माई की जय। बहुत ही देखो जी करड़ा, देख लो जी एक बार चाल रंग पैरों पर नजर मार लो एक बार, ठीक है जी करड़ा कैसे चल रहा कैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित विहान में, और भाइयों सभी को राम राम नमस्कार। भाइयों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। भाइयों विशाल भाई का करड़ा है बहुत ही शानदार, दो दांत करड़ा है, गड़गंगा ही जा रहा है, फुल तैयारी चल रही है इस टाइम पे। और आपको दिखा दूँ गांव है सरूरपुर, और भाई जो है दोपहरी में भैया करड़ा जोड़ के दिखा रहे, चला के दिखा रहे आप लोगों को। बने रहना पूरी वीडियो में और अपना प्यार बनाना, आपका अपना छोटा भाई सुमित विहान। मिलेंगे वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो में बने रहना। और झोटा रंग ढंग जैसा चल रहा आपको पूरी चाल जो है पूरे जो आपको चला के दिखाएंगे, ठीक है जी। तो भाई से थोड़ा सा एक बार इंटरव्यू सा ले लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। शुभ नाम जानना चाहूँगा जी। भाई विशाल सरूरपुर। अच्छा जी, तो आप जो है करड़े को कितना चला के दिखा रहे जी फिलहाल? भाई फिलहाल तो दोपहरी से हो रही, कल घुमाया था 400 मीटर दिखा देंगे एक बार पट्टी लगवा के। हाँ भाई बच्ची लो। हाँ जी दो दांत है भाई। तो अब फिलहाल तुम इसे दो चार किलोमीटर तक दिखा दो। हाँ भाई दिखा देंगे। तो चले जी फिर। हाँ चलो मेरे भाई, ठीक है चलो जी चलो। देखो जी कड़ा, देखो कैसे निकल के चल रहा, बोलेंगे माई की जय। बहुत सुंदर कड़ा चला जी निकल के, ठीक है जी। गांव सरूरपुर और विशाल भैया का कटड़ा है। और भाइयों मैं तो चाहता हूँ गंगे मैया विशाल भाई का नाम रोशन करे कड़ा, और गाँव का नाम रोशन करे। बहुत ही सुंदर कड़ा चल रहा। पहले तो आप नज़र मार लो एक कड़े पर, बहुत सुंदर कड़ा है श्रृंगार में भी। और भैया जो है 400 मीटर की इसकी पूरी तैयारी करवा रहे, 400-500 मीटर तक की इस कड़े की दो दांत की बढ़िया तैयारी करवा रहे, ठीक है जी। भैया एक मिनट से जो है कड़े को आ जाने दो, दूर हो गया बहुत, कड़े के बिल्कुल नज़दीक रखनी है हमें, बम के बराबर बराबर साइड में, ठीक है नहीं। बस बस बताओगे गढ़गंगा जी की फुल तैयारी में इस टाइम, और भैया पूरी सेवा कर रहे हैं कड़े की। ये देख लो श्रृंगार, देखो जी चलते हुए की, ठीक है जी। ये देख लो बहुत सुंदर कड़ा बन रहा है, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ गंगे मैया सबकी मनोकामना पूरी करे, और अपने भाई वीडियो बनवा लो मेरठ ज़िले वालों, और सभी को बोल रहा हूँ हापुड़ ज़िले वालों भी, भैया अपनी वीडियो बनवा लो जो झोटे के शौकीन हैं और गढ़गंगा जी जाने का शौक़ रखते हैं। नंबर है 7088561622। भाई थोड़ा इसके बराबर में चलना बिल्कुल, ठीक है जी। आप अपनी साइड रखो दाब गल के जी, ये वाली, ठीक है जी। पूरी दोपहरी पड़ रही, धूप पड़ रही कैडी, और जो है झोटा आपको चला के दिखा दिया हमने गर्मी में, ठीक है भाइयों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाऊं भाई, सपोर्ट कर दो, फुल सपोर्ट कर दो अपने भाई को, और गढ़गंगा जी पे मिलूँगा। यहाँ से मोड़ोगे? ठीक है जी। जी देखो जी कितना बढ़िया पिकअप उठा के चला, 45, 46, 47, 48 की स्पीड दिखा दी एकदम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत कर रखी जी कड़े के साथ में, दो दांत कड़ा जी। देखो मोड़ पे कैसे मुड़ के चला एकदम, 400 मीटर का बढ़िया झोटा जो है लगा रखा 400 मीटर पे। ये देखो जी बोल गएंगे माई की जय, बोल शंकर भगवान की जय, ठीक है जी। कितना सुंदर कड़ा चल रहा जी निकड़ के। थोड़ा सा आप प्यारा सा सुंदर सा एक कमेंट में बताना कड़ा कैसे चला दो दांत, ठीक है जी। ये देख लो बहुत बढ़िया जी, विशाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस गांव से बहुत प्यार मिला, मेरे विशाल भैया ने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो जी कितना सुंदर कड़ा चला एकदम निकट गए, एकदम पिकअप दिखाया ठाक है। वह कितने का दिखा दिया मीटर एकदम? 45-46 का मीटर दिखाया जी एकदम दो दांत ने अभी, ठीक है जी। काफ़ी सुंदर कड़ा गया जी निकट के। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा वाहन वगैरह आते रहते हैं रास्ते में, ठीक है जी। आपको हमने जो है कड़ा दिखाया तो फेरी में जुड़ा जोड़ के दिखाया भैया ने, विशाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी। थोड़ा इंटरव्यू लेंगे विशाल भैया आपका, भैया आप भी आ जाओ। बहुत बढ़िया जी, बाश बाश बाश। लो जी आप बोलोगे लो विशाल भैया। विशाल भैया हमने कड़ा देखा जी आपका, हाँ जी सुंदर चला एकदम निकट के बढ़िया, 45-46 की स्पीड निकाली है जी भाई। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुमित विहान में जी भाई। तो विशाल भैया मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको झोटे का कब से शौक है जी?
भाई मारे तो शौक तो नुवानो पापा अर्गु था पापा अर्थे मारता आ गया। अच्छा, हर साल गंगा ही जाते हो? हाँ भाई हर साल जाऊंगा जी। जो झोटा कितनी बार जा रहा है? दूसरी बार जा रहा है, तीसरी बार? भाई यो इब्लो गंगा जी गया नहीं, यो पहली बार ही जा रहा। पहली बार जा रहा? हाँ भाई। अच्छा जी, इसकी तैयारी फुल तैयारी करवा रहे हैं? हाँ भाई तैयारी करवा रहे हैं। किलोमीटर तक चलवाओ जी इसके रोज? भाई रोज तो ना, दूसरे तीसरे दिन घुमा दे 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर? हाँ भाई। खाने पीने में क्या चल रहा है इसके? खाने पीने में तो भाई सुबह ही अपने चने पने चले हैं सबके। दूध भी दे रहे हो? हाँ भाई दूध दाद दे दे। अच्छा, आपको इसकी थोड़ी खासियत बताओ जो उनसे आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। भाई खासियत तो यही है, बेचारा बिना कहूँ चलू जा ठीक बढ़िया। हाँ तो जैसे हमारे युवा हैं जो उनसे हमारे भाई पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं झोटों की, पाई पाई भी अच्छी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हो? आपके भाई देखेंगे, भाई देखेंगे वीडियो को। संदेश तो यही है भाई, अपने की गैल मेहनत करो, जाओ खुआई पियाई ठीक करो जी, और भाई अपने में चोखा दम बनाओ, जितना दम रहे डंगर उतना करके दिखा दे जी, जी। इसकी सुबह की तैयारी करवाओ जी, शाम की तैयारी करवाओ भाई, जिस टाइम से भी मौका लग जा, तड़की को टाइम लगे तड़की घुमा दे। ये जुकर हमारे थे दोपहरी में भी जोड़ दिया। हाँ दोपहरी में जोड़ गया जी, बिल्कुल दोपहरी में भैया ने जोड़ के दिखाया, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपने जो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, जैसे झोटा रख रहे हैं लोग भाई, और उसके साथ में पैजबंदी भी कर रहे हैं, तो गाँव को पैजबंदी ना करें, थोड़ा सा साइड रख जाओ जी, ठीक है जी। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो जो दवाई दे करके झोटे को चला रहे हैं, उनका क्या है? संदेश तो है भाई, दवाई बवाई तो चलती ना डांगर में, दम चले अपने में दम बना के रखो जी, जी। और भाई आपस में बैर बांधना नहीं चाहता, अरे अपने का खुआई पियाई का मजा लो जी। आपकी बार गंगा जी पे कैसी भीड़ रहने वाली है? भाई गंगा जी पे चौखी भीड़ रहेगी, जी लगेगा, जी लगेगा। हाँ भाई पहले से 2022 से 23 पे ज्यादा भीड़ रहेगी? भाई वो तो हर साल बढ़ती रहे, हर साल फालतू जी लगे जी, भी तो लोग भाग जाए। आपके सुनने हमारा की झोटे की ज्यादा भीड़ रहेगी, झोटे की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई आपके लोगों में? देखो भाई वो तो जो है वो बरकरार अपना बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भाई शौक तो बरकरार है ही, और देखो पता लगेगा जी। और जो मेरठ जिले वाले हैं अपने जो झोटे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत संदेश इनको भी दो। बस संदेश तो यही है भाई, खुआई पियाई ठीक करे अपने ने, मारे ना डांगर ने बिल्कुल भी, जितना दम रहे बेचारे उतना करके दिखा दे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि झोटे को जो है स्पीड ना दे के उसे चाल पे चलना सिखाओ। बिल्कुल भाई, चाल नहीं टूटनी चाहिए झोटे की, बिल्कुल जिस हिसाब का डांगर हो भाई उसी हिसाब से चला ले, अपने को स्पीड का हो स्पीड के हिसाब से चला ले जी, और भाई वैसा हो अपना डाल डाल चला ले। आपके साथ में कोई ऐसी शरत वरत तो नहीं है कि? नहीं भाई साथ में कुछ, बन्नों कुछ बन्नों नहीं, बिल्कुल भाई अपना अपने मजे में। बहुत बढ़िया, गंगा मैया की जय। बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलकर, बहुत प्यार मिला मुझे इस गाँव से, और भाई ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। मैं इनका भैया का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, बने रहना पूरी वीडियो में। और भाइयों अपनी वीडियो बनवा लो, भैया मेरठ जिले वालों पीछे मत रह जाइए वीडियो बनवाने में, कि तैयारी में रह जाओ और वीडियो ना बनवा पाओ, ठीक है जी। आपकी मेहनत भी और वीडियो भी दोनों रंग लाएंगी, ठीक है जी। अब जो है जोड़ के वापस जो है घर लेके जा रहे हैं हम झोटे को, ठीक है जी। आपके लिए दोपहरी में झोटा जोड़ के दिखाया, पूरी सपोर्ट बना दो भाई जितनी बन सकती है, अपने भाई को प्यार दे दो पूरा, और सभी भाई मेरे दिल में लव यू भाइयों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, ठीक है जी।